नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगले 5 दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा पश्चिमी तट और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर जारी रहेगी और इसके अलावा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो अगले 3 से 4 दिनों में अर्थात 29 जून तक पश्चिमी भारत के सभी हिस्सों, मध्य भारत के सभी हिस्सों और पूर्वी भारत के सभी हिस्सों को अपने अपने आगोश में ले लेगा, उसे पूरी तरह कवर कर लेगा और साथ ही साथ वो पश्चिमोत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। अब यदि अगले पिछले 24 घंटे के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक की यदि हम वर्षा की बात करें कि वर्षा की स्थिति कैसी रही, तो आज सुबह 8:30 बजे तक हमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले पर 22 सेंटीमीटर की वर्षा और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग पर 21 सेंटीमीटर तक की वर्षा प्राप्त हुई है और इसके अलावा भारी से अति भारी वर्षा भी हमें असम, मेघालय, गुजरात क्षेत्र और केरल पर 10 से 12 सेंटीमीटर तक की वर्षा और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पर 10 सेंटीमीटर की वर्षा, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर 7 से 9 सेंटीमीटर, बड़वानी और रतलाम जिलों पर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 8 सेंटीमीटर और तिरुनल वैली में 7 सेंटीमीटर की वर्षा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक पर भी भारी वर्षा 2-3 स्थानों पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा बिहार में भी हमें सीतामढ़ी, बक्सर और चंपारण पे 5 से 7 सेंटीमीटर अर्थात मार्जिनली हैवी रेनफॉल हमें प्राप्त हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पर भी भारी वर्षा हमें, पुर और फरुखाबाद पर भी भारी वर्षा प्राप्त हुई है और इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ जिलों पर जो कि पूर्वी राजस्थान में है वहां पर हमें 5 से 7 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई है। अभी आज हमारे पास एक चक्रीय परिसंचरण है जो कि मध्य गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अवस्थित है और इसका जो विस्तार है वो मध्य क्षोभ मंडल तक है, लेकिन इस चक्रीय परिसंचरण के साथ में ये इसके अंदर टिल्टिंग है अर्थात ये झुका हुआ है दक्षिणी दिशा में और ये उत्तरी अरब सागर तक इसका विस्तार है। जैसे जैसे हम इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं, वर्टिकली अपवर्ड्स जाते हैं और इससे हमें एक निम्न क्षोभ मंडल में एक ट्रफ लाइन, एक निम्न दबाव की रेखा पूर्वोत्तर बिहार की ओर जाती हुई दिख रही है और साथ ही साथ जो ऑफशोर तट, ऑफशोर ट्रफ अप तटीय जो अल्प दबाव की रेखा महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तट पर है वो आज भी विद्यमान है। तो इन सब सिनॉप्टिक सिस्टम्स के मद्देनजर यदि अगले 5 दिन देखा जाए तो पश्चिमी तट पर हमें लगातार भारी से अति भारी वर्षा 3 दिनों तक लगातार प्राप्त होती रहेगी और इसके साथ साथ तमिलनाडु के घाट एरिया और साथ ही साथ तट दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर भी भारी से अति भारी वर्षा 27 जून तक मिलती रहेगी और 28 जून से इस वर्षा में थोड़ी कमी आते हुए हमें केवल मध्यम से भारी वर्षा प्राप्त होने की उम्मीद। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के घाट एरियाज पर रहेगी। इसके अलावा यदि जो हमने चक्रीय परिसंचरण मध्य गुजरात पर देखा उसके प्रभाव में भारी से अति भारी वर्षा गुजरात क्षेत्र पर और भारी वर्षा हमें सौराष्ट्र और कच्छ पर आज प्राप्त होने की संभावना कुछ एक स्थानों पर दिखाई दे रही है और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा गुजरात राज्य के कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर अगले 2 दिन तक मिलती रहेगी। उसके पश्चात इस वर्षा के कल से इसकी तीव्रता के कम होने की संभावना है क्योंकि ये चक्रीय परिसंचरण कमजोर हो जाएगा और किंतु उसके पश्चात जो हमारे हवाओं का जो आज जो पैटर्न है उस पैटर्न में हम काफी बदलाव देखते हुए अभी हमें जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो ट्रफ लाइन अल्प दबाव की रेखा दिख रही है, फिर हमें 27 तारीख से एक अल्प दबाव की रेखा होने की उम्मीद है जो कि पंजाब से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ विस्तृत होगी और इसके प्रभाव में हम मानसून में काफी गति देख सकेंगे। यदि हम मानसून की आज की कंडीशन की बात करें तो आज जो मानसून की सिचुएशन है, मानसून ने आज गुजरात के कुछ और हिस्सों को अपने आगोश में लिया और इसके पश्चात मानसून ने मध्य प्रदेश के भी कुछ और हिस्सों को अपने आगोश में लेते हुए ये पूर्वी भारत पर मानसून
मानसून अपनी और अधिक उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया और इस तरह से जो मानसून की उत्तरी सीमा की जो रेखा है वो आज गुजरात सौराष्ट्र के मुंद्रा से प्रारंभ होते हुए मेहसाणा और मेहसाणा से पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और वहां से होते हुए पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी और फिर वहां से सीधी पूर्वी मध्य प्रदेश के सीधी से होते हुए फिर ये जो रेखा है वो झारखंड के चाईबासा और फिर गंगीय पश्चिमी बंगाल के हल्दिया से होते हुए झारखंड के पाकुड़ और फिर बिहार के साहिबगंज और रक्सौल तक ये रेखा होकर के गुजर रही है। और अगले 3 से 4 दिन जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पर भारी वर्षा देखने में आएगी, हमें बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और साथ ही साथ उत्तराखंड पर एक भारी वर्षा का दौर हम 27 तारीख से देख सकेंगे और जिसमें कि हमें 28 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा भी उत्तराखंड पर 28 और 29 तारीख को देखने में आ सकती है और 29 तारीख को हमें भारी वर्षा उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा पर भी देखने को मिल सकती है और 28 तारीख को हमें ये भारी वर्षा उत्तरी हरियाणा पर भी देखने को मिल सकती है। तो इस ये जो पश्चिमोत्तर भारत पर जो ये वर्षा की गतिविधि में जो हमें वृद्धि के हमें जो आसार दिखाई दे रहे हैं 27 जून से, इसके प्रभाव में जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है वो अगले 3 से 4 दिन तक अर्थात 29 जून तक ये गुजरात के बचे हुए हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों, काफी हिस्सों और मध्य प्रदेश के बचे हुए हिस्सों और इसके साथ साथ ये झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार के सभी बचे हुए हिस्सों को पूरा कर लेगा, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा और साथ ही साथ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी काफी हिस्से को अपने आगोश में ले लेगा और उसके पश्चात ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हुए उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा चंडीगढ़ पर भी अपनी उपस्थिति 29 जून तक दर्ज करा देगा और साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी लगभग सभी हिस्सों को अपने आच्छादन में ले लेगा, उनको कवर कर लेगा। तो ये स्थिति हमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अगली 29 तारीख तक दिखाई दे रही है। इसके पश्चात यदि बात करें तो अभी भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि हीट वेव कंडीशंस काफी खत्म हो गई हैं और तापमान काफी नियंत्रण में है पश्चिमोत्तर भारत पर, किंतु हमें कल भी पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त हुआ और इसके अलावा पंजाब के अमृतसर और लुधियाना पर भी हमें हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई और इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी बिहार के पटना और गया के क्षेत्रों पर हमें हीट वेव कंडीशंस अर्थात यहाँ पर हमें जो तापमान थे वो अपने दीर्घकालिक औसत से 4.5 डिग्री से ज़्यादा हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए अभी फिलहाल हमें बिहार पर आज भी हीट वेव कंडीशंस की संभावना दिखाई दे रही है, किंतु कल ये संभावना समाप्त हो जाएगी अर्थात कल यहाँ पर हीट वेव कंडीशंस नहीं है और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान पर बीकानेर और जैसलमेर और गंगानगर का क्षेत्र और साथ ही साथ पंजाब पर जो हमारा पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है यहाँ पर विशेषतः पश्चिमी और उत्तरी पंजाब का यहाँ पर हमें हीट वेव कंडीशंस आज और कल होने की संभावना रहेगी, जिसमें हमें जो हीट वेव कंडीशन है वो पश्चिमी राजस्थान पर टेम्परेचर की वास्तविक माप अर्थात 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के तापमानों से प्राप्त होगी और पंजाब पर हमें अधिकतम तापमानों के विचलन से प्राप्त होगी और इसके साथ ही साथ हमें जम्मू और कश्मीर के जम्मू प्रभाग पर भी अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव कंडीशंस आने की संभावना रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।